दुनिया में ऐसी कई दरवाजे हैं जो कई दशक या फिर कई सदियों तक खुले नहीं गए हैं। सवाल यही है कि क्यों? आजकल आप कोई भी दरवाजा कभी भी खोल सकते हो सिवाय कुछ। और सच बात यह है कि ये सब दरवाजा बंद रहने के पीछे कोई गंभीर वजह है और अभी तक किसी को पता नहीं इनके पीछे का वजह क्या है। आज हम पता करेंगे ताजमहल की बंद दरवाजों के पीछे का रहस्य। ताजमहल को दुनिया में एक नायाब इमारत का दर्जा मिला है इसके इतिहास के लिए। सन 1631 में शाहजहां ने ये इमारत बनाना शुरू किया अपने तीसरी बेगम मुमताज महल के सम्मान में, जिसे वे हद से ज्यादा मोहब्बत करते थे। 19 साल साथ रहने के बाद अपने 14th चाइल्ड गौहर अरा बेगम को जन्म देते वक्त मुमताज का देहांत हो गया। आपने सही सुना, 14th चाइल्ड। शाहजहां अपने प्यार के गुजर जाने के कारण काफी सदमाग्रस्त हो गए थे। इसी दुख में उन्होंने एक नायाब मकबरा बनाने का फैसला लिया, जिसे बनाने में उन्हें 1000 हाथी, 20,000 मजदूर और लगभग 20 साल का वक्त लग गया। इस इमारत का डिजाइन काफी पिक्यूलियर है। एक विशाल प्लेटफॉर्म के चारों तरफ 130 फीट के 4 मीनारे हैं। दिखने में तो ये काफी सुंदर है, पर मीनारों का निर्माण आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज की तरफ इशारा करता है, क्योंकि 17th सेंचुरी में बहुत सारे इमारतें अपने खुद के वजन के कारण कोलैप्स हो गए थे। इसी वजह से ताजमहल का चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद ईसा खान ने मीनारों को मेन बिल्डिंग से काफी दूर और हल्का सा आउटवर्ड की तरफ टिल्ट कर दिया, ताकि भूकंप के समय ये मीनारे मेन बिल्डिंग को डैमेज ना कर दे। पर ये इमारत सिर्फ प्यार का प्रतीक ही नहीं कहलाता, इसके बंद दरवाजों के पीछे काफी सारी रहस्य छुपे हुए हैं। एक से अधिक रूम से जो सील है और किसी का प्रवेश निषेध है। यमुना नदी के साइड से जब ताज की तस्वीरें खींची जाती है, तब 2 बेसमेंट्स की लेयर दिखाई देती है। काफी सारी बंद दरवाजा है जो सिक्योरली सील्ड है। इन बंद दरवाजों से काफी सारी थ्योरियस निकल के आती है शाहजहां के समय से ही। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये सील चेम्बर्स मार्बल से बना है, जो कैल्शियम कार्बोनेट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड का टच में आया तो, जिसके कारण मार्बल में दरारें दिख सकती है। इसीलिए ये सारे चेम्बर्स सील्ड है। ये रूम्स में वेंटिलेशन की कमी के कारण अगर बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होना शुरू हो गया तो मीनारे कोलैप्स कर सकते हैं। दूसरा रीजन ये है कि मुमताज की समाधि यही पे ही दफन है। कुछ लोगों का ये मानना है कि मुमताज की कब्र अभी भी ताज के बेसमेंट में प्रिजर्व्ड है। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉट फिक्शन चैनल को, बिकॉज दिस इज वेयर फिक्शन एंड्स।